बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स दौरे हाजिर की एक बहुत ही उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगियों में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोबोटिक्स है क्या। रोबोटिक्स इज़ अ टेक्नोलॉजी डील्स विद द फिज़िकल रोबोट्स विच आर द प्रोग्रामेबल मशीन्स। प्रोग्रामेबल मशीन्स का मतलब ये है कि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करती हैं फीड कर दी जाती हैं। रोबोट्स इंटरेक्ट करता है फिज़िकल वर्ल्ड के साथ थ्रू सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। इन सेंसर्स में और एक्चुएटर्स में आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस फीड की होती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सब रोबोट्स यूज़ नहीं करते। कुछ रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और कुछ रोबोट्स सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। रोबोट्स की दो टाइप्स हैं, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ऑटोनोमस रोबोट्स जो होते हैं ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जो अपनी टास्क परफॉर्म करते हैं विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। यानी इनकी टास्क की परफॉर्मेंस में ये जो भी काम परफॉर्म करते हैं, जो ये थिंक करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी टाइप इसकी है सेमी ऑटोनोमस रोबोट्स। ये ऐसी मशीन्स हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, लेकिन कुछ डिग्री तक इसके अलावा ये बाकी ह्यूमन बीइंग्स इसको कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हमारे सेफ्टी के लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं हमारे डिफेंस में, मोस्टली वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को कन्फ्यूज कर देते हैं कि ये सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये सेम नहीं होते, बल्कि इनमें डिफ्रेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू परफॉर्म टास्क लाइक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग वाया एल्गोरिदम्स। लेकिन जो रिपोर्ट्स होते हैं उनमें से कुछ पार्ट्स उनका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज़ होती है। उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बनाने होते हैं और उन्होंने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन ये सब के सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड नहीं कर रहे होते। रोबोटिक्स कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सम केसेस, बट मोस्टली जो रोबोट्स होते हैं जिन्होंने ह्यूमन बीइंग्स जिनको कंट्रोल करती है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं होती। ऐसे रोबोट्स जिन्होंने खुद थिंक करना होता है, खुद परफॉर्म करना होता है, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में रोबोटिक्स का बहुत अहम किरदार है। आइए देखते हैं कि हमारे रोबोट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। रोबोट्स की जो एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़, मिलिट्रीज़, मेडिसन्स एंड सर्जरी, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में रोबोट्स का क्या किरदार है। रोबोट्स यूज्ड फॉर हैंडलिंग मटेरियल, कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग। इस ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा काम यहाँ पर वेल्डिंग का और पॉलिशिंग का ये रोबोट्स परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक किसी ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट जो हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं वो है मिलिट्री की। मिलिट्री में रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आप देखें कि ऑटोनोमस रोबोट्स जो हैं ड्यूरिंग द वार रीच इनएक्सेसिबल एंड हैजर्ड जोन्स, ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंच के हमारे रोबोट्स जो हैं वो हमारे दुश्मन का मुकाबला करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं मेडिसिंस की और सर्जरी की। मेडिसिंस और सर्जरी की फील्ड में रोबोट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और इन फ्यूचर ये उम्मीद है कि मोस्टली काम डॉक्टर्स की बजाय रोबोट्स परफॉर्म करेंगे। रोबोट्स कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल टेस्ट साइमल्टेनियसली, वो बहुत सारे टेस्ट जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोट्स जो हैं डेली रूटीन चेकअप्स कर सकते हैं, इसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं। बहुत कम्प्लेक्स सर्जरीज जो होती हैं जैसे ब्रेन ह्यूमर की या ओपन हार्ट सर्जरी जो है,
These are performed by robots. Medicines और सर्जरी के अलावा हमारे रिबोट्स जो यूज़ होते हैं एजुकेशन में. एजुकेशन में रिबोट्स का काम पहले तो सिर्फ जो है सर्च इंजन और रिसर्च गेट्स तक था, लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है हमारे रिबोट्स जो हैं वो क्लासरूम्स में उन्होंने टीचर को रिप्लेस कर दिया है. और इसके अलावा नोट्स मेकिंग में भी और रिसर्च में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एजुकेशन के अलावा हमारे रिबोट्स का इस्तेमाल जो है वो एंटरटेनमेंट में है. एंटरटेनमेंट में आप देखें मूवी मेकिंग में भी हमारे रिबोट्स यूज़ होते हैं. इसके अलावा कार्टून्स में जितने भी किरदार हैं आपने देखा होगा रिबोट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वो तमाम एप्लीकेशंस जो रोबोटिक्स में यूज़ होती हैं. होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और रोबोटिक्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. इसकी तमाम एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ आ गई होंगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू.